Hello friends, assalamu alaikum. My name is Saji Rashid and welcome to Tech Urdu channel. Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फिल्मोरा वीडियो एडिटर को यूज़ करते हुए किस तरह से ग्रीन स्क्रीन की वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैनल है टेक उर्दू। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ये वीडियो शो हो रही है, यहाँ पे आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे इस तरह से आपने ला के छोड़ देना है इसको इस टाइमलाइन के अंदर। तो बेसिकली अब हम लोग शुरू करते हैं एडिटिंग। तो यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, एडिट का, एडवांस एडिट का और ग्रीन स्क्रीन का। यहाँ पे फर्स्ट पे हमने क्लिक करना है एडवांस एडिटिंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडवांस एडिट पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं डबल क्लिक टू अप्लाई। अगर हम लोग यहाँ पे आपने ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हम लोग इसको आगे की तरफ ले आएंगे ताकि जो बैकग्राउंड है दूसरा, जो ग्रीन के अलावा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। यहाँ से हम लोग हाइट भी इसकी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हाइट को एडिट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ओके पे आपने क्लिक कर देना है। ओके के क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन आप हासिल हो रही है। अब हमारा काम आता है ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने का। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ। ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है मार्क पार्ट ऑफ द क्लिक ट्रांसपेरेंट। तो आप लोग यहाँ पे कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले ही रिमूव हो चुका है। यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये था एक सिंपल सा तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। अब हमने कोई भी आपने बैकग्राउंड यूज़ कर लेना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है इंपोर्ट मीडिया फाइल और मैं डाउनलोड से एक फ़ाइल लेके आ जाता हूँ ओपन। यहाँ पे वो फाइल आ चुकी है, यहाँ से ड्रैग करना है आप लोगों ने बस और यहाँ पर ला के छोड़ देना है। और यहाँ से इसकी मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एडिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अब भी देख रहे हैं कि मसला पेश आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग ग्रीन स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और थोड़ा सा और कर लेते हैं। लो, यहाँ पे ये आपका इशू सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो को एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपलोड टू यूट्यूब, टू फेसबुक और वीमो पे भी अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास ट्रायल वर्जन है तो फिर आपके पास जो वीडियो होगी उसके ऊपर ये वाला लोगो शो होगा एक्सपोर्ट होने के बाद। अगर आप लोग रजिस्टर्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर कोई लोगो शो नहीं होगा। मेरे पास फ़िलहाल तो ट्रायल वर्जन है तो मैं इसके ऊपर जस्ट कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपके पास लोकेशन पूछेगा, आपने यहाँ पे लोकेशन देनी है। मेरे पास जो लोकेशन है वो ठीक है, मैं इसी लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन पूछ रहा है, मैं इसको भी चेंज करना चाहूँगा। सेटिंग पे क्लिक करते हैं और रेजोल्यूशन के ऊपर मैं जाके यहाँ पे 1280x720 इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये भी HD के अंदर ही हमें वीडियो फराम करेगी। उसके अलावा आप यहाँ पर बेटर, गुड या बेस्ट पे भी आप लोग रहने दें, या ये भी ठीक है। और यहाँ पे आप कैमकॉर्डर बता सकते हैं ऑडियो के लिए कि आपको कौन सा कैमकॉर्डर चाहिए। तो फिलहाल ये सभी सेटिंग्स ठीक हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा।
तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिल्मोरा के ऊपर मुकम्मल एक कोर्स बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको वाकई ही पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।